शिखर में आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम मिश्रा। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल गज उठा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और प्रत्याशी टोलियों के रूप में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन के तहत ये प्रचार किया जा रहा है। छोटी छोटी टोलियों में प्रचार कर रहे हैं। आज हमारी टीम पहुँची है ऊँचा हर विधानसभा में। ये धूता ग्राम सभा है और यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर कुछ हमको भाई साहब मिल गए। इनसे हम बात करना चाहते हैं कि किसका प्रचार चल रहा है, माहौल क्या है। देखिए, हम भाई साहब से बात कर रहे हैं कि इस गांव में किसका माहौल चल रहा है और कौन आगे चल रहा है। पहले अपना परिचय बताइएगा सर। निशांत पाटिल जी। हाँ, तो यहाँ क्या माहौल है, किसका प्रचार चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? 2022 का बिल्कुल बच चुका है तो इसमें क्या है, कौन आगे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अमरपाल मौर्य जी। अमरपाल मौर्य जी, ये यहाँ पर प्रचार इनका तेज चल रहा है। तेज चल रहा है जी। लोगों तक पूरी बातें पहुँचाई जा रही हैं। केंद्र से राज्य सरकार की जितनी भी सुविधाएं मिली हैं उन सब सुविधाओं के जरिए से जागरूक जितनी भी जनता है सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में समर्थित है जी। तो प्रचार कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं अपने जो कार्यकर्ता है, जो जनता आपके, उनको क्या बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो भी सुविधाएं जी आज दिन तक गरीबों को, मतलब लास्ट की सीढ़ी बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रही, उन्हीं भी बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं अपनी बातें। अच्छा, और भाई साहब, हमारे साथ कुछ लोग, भाई साहब किसका प्रचार ज़्यादा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, बढ़िया तेज से चल रहा है। गाँव गाँव में हम लोग जा जाके घर घर से प्रचार में लगे हुए और देख भी रहे हैं कि हमारे भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारी और वो बड़ा बहुत अच्छी तरह से प्रचार चल रहा है और आपकी प्रचंड बहुमत से आजकल ऊँचा हाथ से विधानसभा से जीत दर्ज करें। और हमारे भाई साथ हैं आप भाई, टीका उका लगा करके क्या प्रचार किसका चल रहा है इस समय? भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का। योगी जी का, तो क्यों योगी जी के आप लोग ज़्यादा प्रचार क्यों कर रहे हैं? अरे वो सारी सुविधा लाभ दे रहे हैं, सब गुंडा को वो कर रहे हैं, सब माफिया लोगों का। अच्छा अच्छा, गुंडई खत्म है इस समय? हाँ ठीक नहीं, और सरकारें थी तो क्या गुंडे ज्यादा थी? हाँ, फिर सरकार आप बनाना चाहते हैं? हमारी तो इच्छा होती है कि भाजपा का, क्योंकि इसने हमको खाने पीने का देता है 2000 रुपया बहुत सही होता है भाई। अच्छा, और का सेवा कर रही है, वह राशन मुफ्त दे रहा है। अब क्या अब वही गाय हर हाल में क्यों का करे हो किसकी सरकार? भाजपा ढूंढनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक साल से फ्री राशन खिला रहा है, पेंशन बढ़ा दिया, 6,000 रुपये मोदी साल में हम लोगों को दे रहे हैं। हाँ, हमारी उम्र 65 साल, हमको 1,000 रुपये कर दिया उसने, खाने पीने के चाहे होटल पानी में नाश्ता पानी के लिए, और क्या चाहिए? कोई दूसरी सरकार तो इतना किया नहीं जितना।